हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं विकेट एक्टिव में। आज हम बात करने वाले हैं जो रियलमी C25 मोबाइल के अंदर अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद कैमरे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है या कितना कैमरे में प्रॉब्लम आई है, कितना क्वालिटी गिरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसके बारे में हम करेंगे बात, पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। सिंपली जो ये जस्ट अपडेट आया था जो 2022 में, ठीक है ना, इस अपडेट के बाद सिंपली जो है हमारा जो फ़ोन के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर क्या स्टेबल हुआ है, कितनी क्या क्वालिटी इंक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, इसके बारे में हम करेंगे बात। तो फ्रेंड्स फटाफट स्क्रॉल कर लेते हैं और आ जाते हैं कैमरे के सेक्शन में। कैमरे के सेक्शन में आने के बाद सिंपली आपको कुछ बहुत कुछ अलग से कुछ इंटरफेस भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो आपको दिखा देता हूं, मैं कैमरे की क्वालिटी भी दिखाऊंगा सबसे, लेकिन जो ऑप्शन है वो पहले बता देता हूं। पहला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं गूगल लेंस का। तो गूगल लेंस का ऑप्शन, इसके बारे में आप जानते होंगे, तो इसके बारे में नहीं बता रहे, कैमरे से हट के गूगल का प्रोडक्ट है। सिंपली फ्लैश लाइट का ऑप्शन को हम ऑन कर लेते हैं, जैसे फ्लैश लाइट का ऑप्शन। फिर SDR मोड का आपका जो ऑप्शन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मैंने SDR मोड को ऑन कर लिया है सिंपली, और जो ब्यूटी मोड है इसे भी हम कर लेते हैं ऑन। तो हमने ब्यूटी मोड को भी ऑन कर लिया। फाइनली हम सेटिंग के अंदर जाते हैं। सेटिंग के अंदर जो आप सेक्शन देख रहे हैं, कुछ जो हमने जो पुरानी सेटिंग थी, हमारे जो रियलमी C25Y की सेटिंग है वही सेटिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की सेटिंग। तो मैं इसकी क्वालिटी चेक करवा देता हूँ आपको एक फ़ोटो क्लिक करके। सिंपली रियलमी C25Y की ये जो फ़ोटो क्लिक आप देख सकते हैं, जो फ़ोटो है कैसी क्या आई है, काफ़ी ठीक ठाक फ़ोटो है। जो फ़ोटो की क्वालिटी है इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही है, सही फ़ोटो है। और कुछ एक भाई का कमेंट भी आया था जूमिंग में कि जूमिंग क्वालिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या है, इसका जो लेंस है वो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, इस वजह से जूमिंग क्वालिटी में भी आपको लग रहा होगा। फिर सिंपली जो सेकंड कैमरा है वो है पोर्ट्रेट मोड का। पोर्ट्रेट मोड पे भी मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करना है आपको। सिंपली मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ F5.6 FPS पे, ठीक है ना। अब सिंपली मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर दी है, फोकस जो है वो काफ़ी सही है। अब आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, कैमरा की क्वालिटी कैसी आपको दिखाई दे रही, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। ज़्यादा कुछ क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं, ज़्यादा कुछ क्वालिटी में चीज़ें घटी नहीं है ना, इम्प्रूव हुआ है, जैसा कैमरा था वैसा ही है। अब इसके बाद फिर आप 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसके अंदर कैसी क्या फ़ोटो आती है वो और हम ले लेते हैं। ऊपर के सेक्शन में सिर्फ फ्लैश लाइट और सेटिंग का सेक्शन है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। मैं सिंपली एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो 50 मेगापिक्सल से खींचा हुआ जो फ़ोटो है हमारे रियलमी C25Y का, इसकी क्वालिटी भी सही है। अगर आप चाहें तो दोनों वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं, जो वीडियो थी इससे पहले वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब सिंपली हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के सेक्शन में। तो वीडियो के सेक्शन पर सिंपली क्लिक करते से ही देख सकते हैं ये हमारा वीडियो का सेक्शन। तो ये जो फुल फ्रेम है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो फुल फ्रेम का सेक्शन दिया गया है वीडियो कैमरे के अंदर। इसके बाद फिर सिंपली ऊपर का जो सेक्शन है ये फ्लैश लाइट, और सेकंड नंबर पर सेटिंग। सेटिंग के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसी जो सेटिंग थी सारी वही है। उसके बाद फिर आप जो वीडियो के साइज़ देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी 1080p ही है, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो क्वालिटी में भी कुछ चेंजेस नहीं है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम चला लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं कैसे क्या वीडियो की क्वालिटी है। सिंपली वीडियो रिकॉर्ड हो गई, अब आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। तो इसकी वीडियो की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जिस रेंज के हिसाब से ये फ़ोन है इस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी इसकी वीडियो की क्वालिटी है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो कैप्चरिंग है देख सकते हैं, फोकस काफ़ी सही है। और इसके जो जूमिंग की प्रॉब्लम बता रहे थे उसकी भी मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक कर लूँगा एक जूमिंग की। सिंपली देख सकते हैं मैंने फुल जूम कर लिया जो है 4x, तो 4x तक का इसमें जूम जो है वो सपोर्टेड है। तो मैंने 4x का जूम कर लिया। सिंपली अब एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं हम, ये जो नॉर्मल आ गया। अब हम वापस इसको जूम कर लेते हैं 4x के, वापस हम इसे फटाफट जूम कर लेते हैं देख सकते हैं 4x के, और हम इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं 4x के अंदर। अब इसके बाद फिर 4x के अंदर हम पहले एक फ़ोटो सिंपली इसको क्लिक टैप करके एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फटाफट मैंने एक फ़ोटो कर दी है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद सिंपली मैं नॉर्मल एक फोटो क्लिक कर लेता हूं, उसी की सेम टू सेम देख सकते हैं, एक जूम की है, एक जूम इन है, और एक है जो है कम जूम की है। सिंपली देख सकते हैं ये है, ये विदाउट जूम है, हमने इसमें कोई जूम नहीं करा है फोटो में, और ये देखिए जूम करा है। तो जूम करने के बाद भी जो इसकी कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। काफ़ी थोड़ा बहुत मच्छर जो है आपको झिलमिलापन वो तो दिखेगा ही जूमिंग करने पर हर कैमरे में। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।